सभा को नमस्कार सभा को अध्यक्ष सोदरी मणि गीता रेड्डी गारु जिला अध्यक्ष नर्सा रेड्डी गारु अदे विधा पीसीसी अध्यक्ष रेवंत रेड्डी गारु अदे विधा गतंलो एन्नो पदवुलु अनुभविंचि ఒక్కసారి కూడా ఓటమి లేకుండా 11 సార్లు గెలిచినటువంటి పెద్ద నాయకుడు ఎవరంటే అది మల్లికార్జున్ ఖర్గే ఆయన కర్ణాటకలో ముఖ్యమంత్రి కావాల్సిన వాడు కాని కొద్దిలో తప్పిపోయింది అదే విధంగా మరి మానిక్ ఠాకూర్ గారు బోసరాజు గారు అదే విధంగా వేదికపై ఉన్నటువంటి వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్లు ఆఫీస్ బేరర్లు సోదరులారా సోదరిమణులారా ఇగో ఇందులో చార్ షీట్లో ఉన్నది కానీ నాకు ఒకటే బాధ ఉన్నది ये बाबा साहेब अंबेडकर वाले तेलंगाना वच्चिंदी आर्टिकल 3 वल्ला मा सोनिया गांधी तेलंगाना इच्चिंदी दानी गुरिंचे आमे एंतो मंदी पिल्ला चनिपोतुन्नारु मा गवर्नमेंट वस्ते तेलंगाना इस्तानदी केसीआर नुव्वेमन्नाव मामा मेडम जिस दिन तेलंगाना देंगा तुम्हारे पैर पे तोले तो अन्नाव अगर तेलंगाना नहीं दिए तो केसीआर तुम तुम्हारा फैमिली नामपल्ली दरगाह पे अल्लाह के नाम पे दे दे बाबा ये चलता था भूल गया विमोचन दिन इंको पक दलित गिरीजन आत्मगौरव सब इला दलित प्रेम नीचे अभी ऊरके ओटिंद इतना मंदिर इतवरा बाबू अटे हुजूराबाद बीसी लेरा पद लक्षा इन वेल मंदिर बाबू नसी पक्की ऊकटारा అమ్మా అంటే 10 లక్షలు నాకు ఇస్తలేరని నీ పని పక్క అవుతది అంతే కాదు ఇవాల నేను రేవంత్ రెడ్డి గారిని అదే విధంగా మానిక్ ఠాకూర్ని అడుగుతున్నా ఏ విధంగానైతే ఆత్మగౌరవం జరుగుతుందో దళిత గిరిజనులది అదే విధంగా బీసీల ఏది యుద్ధం చేసే పరిస్థితి వచ్చింది బీసీల కార్యక్రమం కూడా చేయాలి బీసీల గర్జన పెట్టాలి గతంలో వడుగు బలైన వర్గాల కార్యక్రమం వరంగల్లో పెట్టిన తర్వాతనే कांग्रेस मारपचिंद बीसी एस तो बीसी मे याब नर्सेंट बमें मरचिपोते ऊकटा गोल्लो ऊकटारा यादव ऊकटारा कुर्मा ऊकटारा सागर ऊकटारा माला पनी पैसे कुल वृत्लनाई पनी लेवन अड़का दाने मीद बीसी गर्जन पेटाल आलोचन चुनाव अंत का विमोचन इवलावर अमित षा पक्के मीटिंग पेड़ अमित षा तुझे मालूम है क्या तेलंगाना में बीजेपी कितना लड़ा अभी हमारे मल्लिकार्जुन साहब सही बात बताए उस जमाने में आपका रोल ही नहीं था इस हिंदुस्तान में 550 वो थे जागीरदारा थे राजा महाराजा थे एक एक हैदराबाद और जम्मू कश्मीर दोनों इंडिपेंडेंट राजा लोग थे उस वक्त पूरी दुनिया जमलापुरम केशव राव सरदार जमलापुरम केशव राव रामानंद तीर्थ ये लोग थे लड़े थे उस वक्त महाराष्ट्र कर्नाटक भी हमारे हैदराबाद स्टेट में थे जिसका मल्लिकार्जुन लीडर ही करते थे आज भी उनके उनका दम है बोलने का आज मैं क्या बोल रहा हूँ तुम क्या लड़े बोल के आज सरकार से तुम बोल नहीं सकते विमोचन में तुम्हारा पार्ट क्या है बता रहे भाई एक बताओ हमारी इंदिरा गांधी देश को अपनी जान की कुर्बानी करी राजीव गांधी देश सद्भावना रखने के वास्ते अपनी जान की कुर्बानी करे मैं चाहता हूँ इस मीटिंग में मैं हमारे रेवंत रेड्डी से रेजोल्यूशन लेना चाह रहा हूँ इसमें वो है ही नहीं अंबेडकर का बाकी नहीं है थोड़े सौ बाकी मैं नहीं लगाए भैया जय भीम वाले लगाए 13 के सुबह में तोड़ दिए जिस दिन 14 तारीख को अम्बेडकर का बर्थडे बाद में मैं आंधा जाके लाए तो वो भी उठा के पुलिस स्टेशन में रखे पुलिस वाले भी चोरी कर रहे ये कब से सीखे रहे भाई किडनैप करते पुलिस वाले उठा के ले गए तो इस वजह से मेरी गुजारिश है कांग्रेस पार्टी ये सिर्फ हनुमंतराव का काम नहीं है भाई अंबेडकर अंबेडकर इस देश में एक दिशा बताया एक जमाने में गांव में लोगों को आने नहीं देते थे बॉडी करने मंदिर में नहीं आने देते थे बड़े बड़े पटेला द्वारा चप्पल सर पे लगा के चलते थे यही अंबेडकर इस देश में
कानून लाके, कॉन्स्टिट्यूशन लाके, उस जमाने में महात्मा गांधी पंडित जवाहरलाल नेहरू अब्दुल कलाम आजाद बोला, एक ही आदमी लिख सकता जिसका नाम अंबेडकर है। वो अंबेडकर गरीबी से आया, ज्योतिराव फुले उनका गुरु थे, पढ़ लिए तो आगे बढ़ते बोले। तो इसी वजह से मेरी गुजारिश है बीसी गर्जन भी लगाना चाहिए, ताकि बीसी लोग भी ये समझना बीसी में माइनॉरिटी भी आता। भैया आप समझोगे माइनॉरिटी का लग नहीं, बीसी की बीसी में माइनॉरिटी भी आते। तो इस वजह से वो सभा भी करेंगे, तो केसीआर को सबक सिखाना चाहिए। केसीआर बहुत से वादे करता है, ये आदमी से समय आए तो पैर पकड़ता नहीं तो सर पकड़ता, लड़ने वाला नहीं है उन्हें। वो कहीं का फायदा उठाता, मगर एक अच्छा काम करा मल्लिकार्जुन खड़गे जी, हर पुलिस स्टेशन 5-स्टार होटल है, 5-स्टार। ये काम अच्छा करा, क्यों बोल तो आने वाले दिनों में पुलिस वाले ही सपोर्ट करते बोल के पुलिस स्टेशन एक एक इनोवा फॉर्चून हुई 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 चला। तो इसी वजह से पुलिस से डरना नहीं है। आज हिंदुस्तान में बराबर कांग्रेस का लहर आ रहा है। आज क्या करा भाई अमित शाह तुम्हारे पास, नरेंद्र मोदी क्या करा, हम गरीबों के वास्ते पब्लिक सेक्टर लाए, सब बेचते जा रहा भैया। विशाखा स्टील बेच दे रहा, कल बीएचई बेच देगा, एलआईसी बेच देगा, इंडियन एयरलाइन देगा। इसके ऊपर भी गांव गांव में जाके प्रचार करना चाहिए। और मेरा एक ही रिक्वेस्ट है, अम्बेडकर हर गांव में उनका स्टैचू रहता, वहां जाना, हार डालना, अम्बेडकर को जेल में रखा बहुत से लोगों ने, 3 साल हुआ, शर्म की बात है। और देखते रहे तो दलित बंधु बोलता, एक दलित लीडर को जाके पुलिस स्टेशन में लॉकअप में रखता, तू दलित बंधु है, तू वोटों का बंधु है। तो मैं ज्यादा नहीं कहते हुए क्यों बोले तो मल्लिकार्जुन खड़गे जी चले गए, अरे उन्होंने सुनना बोल के जितनी देर बोला, ठीक है जो भी है। वो था बीसी गर्जना भी लगाना चाहिए, यही बात हमारे रेवंत रेड्डी बोले और हमारे मानिक ठाकुर बोले, इस पे रेजोल्यूशन लेना है। आने वाले दिनों में बीसी गर्जना भी इससे ज्यादा, इसमें सभी नहीं है, इसमें हमारे बीसी लोग भी है, खाली एससी भी एसटी है रे भाई, हमारे लोग भी आए आपके साथ रहते हैं। इस वजह से आपको भी साथ रखो, टीआरएस को हटाओ, कांग्रेस को बचाओ। नमस्कार।